कोविड एक ऐसा त्रासदी था, किसी ने बहुत अपने को खोया, किसी ने थोड़े डिस्टेंट को खोया, खोया सबने था। आई कैन नॉट फॉरगिव एनीवन हु इज कनेक्टेड विद दिस। मुझे लगता है कि लोगों के जीवन से ज्यादा सीरियस अफेयर कुछ नहीं था। उस समय में इलेक्शन हुए थे, मैंने कहा कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एंड ही सेड नो 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 आई विल नॉट बी गोइंग टू हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल से कोई वापस लौट के आता नहीं है। लौटा दो चूड़ी वो पायल वो बिंदिया, लौटा दो मेरा चुटकी भर सिंदूर। मेरा नाम डॉक्टर नूतन चौधरी है, मैं मिथिलांचल के दरभंगा शहर से हूँ। एमिटी यूनिवर्सिटी पटना में कार्यरत हूँ, किंतु पिछले कुछ सालों से मैं नोएडा में डेप्यूटेशन पे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से मैं एक शोध कर रही हूँ। 11th में मैंने एडमिशन लिया और मुझे पता चला कि मेरी शादी की बात चल रही है। कहा ऐसा गया कि चूँकि मैं एक लड़की थी और वो मुझे बाहर अकेले पढ़ने के लिए भेज नहीं सकते थे, और अगर तुम्हारे हस्बैंड रहेंगे तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथ में पढ़ाई लिखाई करने में। 11th में मेरी शादी कर दी गई थी। ससुराल भी अच्छा था, ससुराल के लोग भी सारे अच्छे थे और वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहू अगर आ रही है तो उनके साथ में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस साथ में ही आती है। हाँ, लेकिन मैंने भी ये कोशिश ज़रूर करी थी कि चूँकि मुझे लगता था कि अरे मेरे तो घर से दहेज भी नहीं मिला है, तो मुझे जो है ना वो बहुत काम करके बहुत सारा कुछ करके सबको खुश करना है। लाइक आई वॉज अ पर्सन के हु फेल्ट कि एवरीबडी शुड बी हैप्पी, और मुझे लगता है मिथिला में ऐसे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो कि दे वॉन्ट कि एवरीबडी शुड बी हैप्पी। बहुत बार उनके सपनों को इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जब बाहर देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको पता है दे आर सो वेल सॉर्टेड इन लाइफ, दे वेल सॉर्टेड, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ नहीं बोलना है। व्हाई डिड आई से यस, बिकॉज दैट वन यस वॉज द रियल प्रॉब्लम, जो कि मतलब जितनी भी रूट ऑफ द ऑल माय प्रॉब्लम्स दैट केप्ट ऑन हैपनिंग देयर ऑन। लेकिन उसी समय हुआ ऐसा कि मेरे फादर इन लॉ के जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और मेरे हस्बैंड ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर दैट टाइम। उन्होंने उनके ही ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। मुझे हस्बैंड को देख के थोड़ा लगता था कि आई शुड बी हेल्पिंग हिम आउट, एंड ही ऑलवेज केप्ट ऑन सेइंग कि जैसे अब मुझे, चूँकि मैंने कभी घर का काम किया नहीं था, तो कभी मैं अगर कभी लगता ना खुश करने के लिए कभी मैं उनके शर्ट साफ कर देती थी तो ही यूज़ टू गेट एंग्री, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बनी हो, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बनी हो, यू शुड डू दैट, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम इंग्लिश ऑनर्स करो। वो कीड़ा उन्होंने ही मेरे दिमाग में डाला था। टफ तो था घर का काम काज संभालना, पढ़ाई संभालना, और फिर उसके साथ साथ मतलब अपने जॉब को भी संभालना, तो ये तीन काम एक साथ करना। लेकिन मोटिवेशन इतना हाई था, हस्बैंड के सपने को पूरा करना इतना ज़्यादा उस बात के लिए अंदर में सनक सी आ गई थी कि वो जो मेरे बारे में फ़ील करते हैं, ही ऑलवेज फेल्ट कि नहीं यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर, तो वो जो फील करते थे आई वॉन्टेड टू प्रूव हिम राइट। लाइक एक सिंपल 10th की लड़की, वहाँ से मैंने 12th पास किया, BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, MA पार्ट 1, पार्ट 2, MBA 3 साल का मैंने एग्जीक्यूटिव किया था, BEd किया था, MPhil किया था, देन PhD किया, और ये हर साल मैं पढ़ रही थी, इतने जितने साल हम लोग साथ में रहे, एवरीडे एवरी टाइम ही वॉज देयर एट द बैक, यू हैव टू डू दिस, यू डोंट सिट, यू हैव टू डू दिस, डोंट गो, ही नेवर वॉन्टेड मी टू बी इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड। बहुत मुश्किल हो गया था वो दौर, बहुत मुश्किल था जब आई हैड अ चाइल्ड, माई फर्स्ट बेबी, माई जॉब, और तो इट वॉज रियली, देन आई हैड टू क्विट माई जॉब एक्चुअली। COVID-19 जिसकी जो मतलब 19 कहते हैं, चूँकि 31st December 2019 को वो पहला केस आया था, असल विध्वंस जो था वो तो शुरू हुआ 2021 से। 2021 का जो वह विध्वंस था, शायद अगर हम 2020 में तैयारी करते उस युद्ध से लड़ने की, तो शायद कुछ चीज़ें बहुत हद तक बचाई जा सकती थी। तो 2021 में कॉलेजेस खुल गए, स्कूल्स वापस से ये शुरू हो गए, और माय हस्बैंड वाज इन अ यूनिवर्सिटी इन मधुबनी, तो
हम लोग ही ज्वाइंड हिज वर्क प्लेस, आई ज्वाइंड माई वर्क प्लेस, सब कुछ. माई सन वॉज इन क्लास 12th, तो ही हैड टू स्टे एट होम. 24th ही केम बैक. नहीं, उन्होंने मुझे पहले कॉल किया कि मुझे ना फीवर जैसा लग रहा है. इमिडिएटली हमने टेस्ट करवाया, लेकिन रिजल्ट आते आते 3 दिन लग गया. उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया और जो रिपोर्ट उनका आया तो उनका कोविड बहुत ज़्यादा था. मैंने कहा कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. एंड ही सेड नो नो नो, आई विल नॉट बी गोइंग टू हॉस्पिटल. देखो, हॉस्पिटल से कोई वापस लौट के आता नहीं है. फिर तुरंत मैंने ना ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया. हमारे पास में उतने पैसे भी नहीं थे घर में. मतलब एक सिलेंडर का 60,000 रुपीज़ ही आस्क्ड फॉर. आई हैड नो मनी. ही सेड कि आई विल बी टेकिंग कैश ओनली. मतलब मुझे तुरंत, मतलब कैश नहीं और मुझे तुरंत चाहिए पैसे. ऐसे जैसे अगर पैसे नहीं दोगे तो हम लगाएंगे ही नहीं. नेक्स्ट डे इनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी. तो ही सेड कि नितेश से बोलो कि ये करेगा, हॉस्पिटल का इंतज़ाम करेगा. हर जगह से लोग लग गए. ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध की शुरुआत हो गई थी. लेकिन वो समय भी इतना इतना ख़राब, शायद मतलब डर लग जाता है, सिहर जाती है, आत्मा सिहर जाती है जब उस समय को याद करना पड़ता है. तो हम लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह अपडेट करें कोई हॉस्पिटल है. लेकिन सीट नहीं मिला हम लोगों को. पूरे दिन हम लोग ये करते आ गए. अब उनका ऑक्सीजन लेवल और डाउन हो रहा था. फिर हम लोग वापस ऑक्सीजन सिलेंडर पे उनको डाले और उसके बाद रूम भी मिल गया. मतलब हॉस्पिटल में बहुत प्रयास के बाद में मेरे देवर ने, माय ब्रदर इन लॉ नितेश, ही एक्चुअली अरेंज्ड फॉर अ रूम वहाँ पर पास में ही. और जब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर में गए तो जाने के साथ में ही सबसे पहला लाइन जो डॉक्टर ने कहा, उसने कहा कि ऐसा कीजिए कि इनकी तो रिपोर्ट बहुत ख़राब है. 70% ऑफ द लंग्स जो है वो इनका डैमेज हो चुका है. एंड ये सब आप उनके जो चेन वगैरह, ये जो भी इनके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स वगैरह, आप ये सब हटा लीजिए. लास्ट टाइम में बहुत दिए. ही स्पोक सो ब्लंटली, सो रूडली कि लाइक कोई इस सोच के तो जाता नहीं है ना कि ये ऐसा होना है. सब समझते हैं लोग बीमार पड़ते हैं, ये करते हैं. एंड देन ही लाइक ही सेड कि इनका लंग्स पूरा इन्फेक्टेड है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, बचने की कोई, बहुत कम स्थिति है. इट डिडंट से कोई उम्मीद, बट देन ही सेड इनको प्लाज्मा चढ़ेगा, इनको रेमडेसिविर चढ़ेगा तो स्थिति ठीक हो सकती है. जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान थी, हर जगह लोग अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह चर्च, हर जगह उनके लिए प्रेयर शुरू हो गई थी. प्लाज्मा की जब बात आई तो प्लाज्मा में बहुत सारे कंडीशंस लगे हुए थे कि जिसको वैक्सीन लगा हो, एक महीने पहले लगा हो, ए पॉजिटिव जो उनका ब्लड ग्रुप था, वो ब्लड ग्रुप जिसके पास में हो, और वो दिस. तो आई केप्ट ऑन अपलोडिंग ऑल दीज थिंग्स. फिर मेरी एक कोलीग थी डॉक्टर रुचि शुक्ला, शी वॉज लाइक, मतलब आई एम सो थैंकफुल टू हर. शी जस्ट कॉल्ड मी कि मैम आप चिंता मत कीजिए, संजोग से एवरीथिंग दैट द डॉक्टर आस्क्ड फॉर. उसने एक डॉक्टर, डॉक्टर हस्बैंड वाइफ डॉक्टर ही थे और वेरी नाइस, वेरी रिलीजियस कपल. लोग 2-2 लाख रुपए में उस समय में प्लाज्मा बेच रहे थे, 2-2 लाख रुपए में. एंड दैट कपल वो साथ में खड़े होकर विदाउट एनी सिंगल पेनी, विदाउट एनी चार्जिंग, एंड देन शी डोनेटेड हर ब्लड जिससे कि प्लाज्मा बना. तो आई वॉज सो मच, मतलब मेरे दिमाग में अलग सी, मतलब आशा की एकदम लहर आ गई कि हाँ, नाउ माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो कमिंग, गोइंग टू कम बैक. एंड आई टोल्ड हिम माई हस्बैंड्स नेम एंड आई सेड कि सर आप, आपने मेरे हस्बैंड को देखा है ना, आप बताइए कि हाउ इज़ ही डूइंग, व्हाट्स हिज परफॉर्मेंस. ही सेड कि ही इज़ डूइंग वेल, वो लड़ रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग, हमें तो बहुत उम्मीद है कि ही विल बी फाइटिंग बैक एंड ही विल बी ऑल राइट. And then I touched his feet. मैंने उनको, उनके पैर को पकड़ लिया and I said कि सर आप मेरे को ना, आप इसे एक काम करने दीजिए, आप मेरे को इस हॉस्पिटल में रहने दीजिए. बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू स्टे इन द हॉस्पिटल. तो मुझे हॉस्पिटल के सामने में मैं बेंच लगा के मैं सो जाती थी वहीं पर. लेकिन मैं, मुझे ना आपके हस्बैंड को अगर मेरे सामने में रहेंगे ना वो, तो वो पता नहीं शायद वो देखेंगे कि नूतन को इतना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ही नेवर वॉन्टेड टू सी एनी me in any trouble. Oh, he was never, so he'll fight back more. Hospitals में भी ये पता नहीं है, मैं अब ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ किसी को भी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि ऑक्सीजन बंद कर दिया जाता था पैसे बचाने के लिए, आप देखने के लिए अलाउड नहीं होता था. शायद बहुत कुछ, बहुत सुविधाएं भी नहीं थी. और उस समय भी लोग, अब
मुझे नहीं लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत अभी भी आज के भी डेट में 80,000 और 60,000 रुपये है, लेकिन उस समय लोग मतलब और जिंदा क्या उस समय तो लोग लाशों की भी कीमत लगा रहे थे, वो ऐसा विभत्स समय हो गया था। और सिक्स्थ को ही वॉज मॉर्निंग में ही वॉज स्लीपिंग, तो हम लोग बाहर से देखे, आई डिडंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिम कि वो पूरी रात जगे हैं, तो मैंने ओम ने कहा कि मम्मा छोड़ दो डैडी सो रहे हैं, चलो अभी नींद आ जाएगी ना वो अच्छे हो जाएंगे, यू लीव हिम, एंड वी डिड दैट ओनली। सिक्स्थ के शाम को माई ग्रैंड मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की दादी माँ, शी स्टार्टेड बिहेविंग वेरी अब्रप्टली। मेरे शिशिर को कोई भाला से मार रहा है, उसको बचा लो, शी स्टार्टेड सेइंग दैट। शाम के 9 बजे हमें खबर मिली कि शी पास्ड अवे, एंड माई सन ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू हिज मतलब हर, तो शी ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड कि मम्मा ये क्या हो रहा है घर में, हमारे घर में बताओ, दादी माँ चली गई, एंड देन शी ही स्टार्टेड क्राइंग। और फिर उसके बाद हम लोग रात में फिर डॉक्टर से मिलने के बाद आ गए, और 2:30 बजे कॉल आया, एंड दे गेव अस द बैड न्यूज़, एंड माई सन, आई हर्ड दैट, मुझे अब जितना याद है, मैंने आई टुक दैट कॉल, माई सन केम रनिंग टू मी एंड आई टुक दैट कॉल, एंड आफ्टर दैट वॉट हैपन टू मी आई डोंट नो। पापा केम, उसके बाद दे टुक मी टू माई नेटिव प्लेस दरभंगा, आई वेंट बैक टू दरभंगा, कुछ उसके बाद एवरीथिंग वॉज डन बाई माई सन। माई सन लाइक ही स्टूड लाइक एन आर्मी, वन मैन आर्मी इन फैक्ट यू कैन से। हम लोगों ने मतलब सारा कुछ वी ही डिड, उतना जो भी लाइक रिचुअल्स होते हैं लास्ट राइट्स के एंड ऑल। और फिर उसके बाद माय हस्बैंड हैड अ बिजनेस, बुक्स सप्लाई का बिजनेस था, एंड 19 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 20 में पूरे स्कूल्स की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, इन्होंने सप्लाई कर दिया बुक्स वगैरह जो है वो, फिनेंशियली ये जो बिजनेस था वो हमें मतलब एक साल में बहुत ऑलरेडी ड्रेन आउट कर दिया था। उस बीच में एक उनका बहुत ही विश्वासी, ऐसा वो उसको बोलते थे, एक स्टाफ उन्होंने रखा था, तो ये कैश वगैरह सब कलेक्ट करता था और सब जगह जाता था, ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड ऑल। आई सेड कि आपके इस बिजनेस में अगर कुछ भी फ़ायदा होता है वो सारा फ़ायदा आपका, जो उसका सीड अमाउंट है जो कंपनी में लौटाना है वो पैसे आप कंपनीज को बस लौटा दीजिए, मैं बस कर्ज में ना जाऊँ। मेरा यही था कि मैं बस कर्ज में ना जाऊँ, आप निश्चिंत रहिए भाभी जी, इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, एंड देन ही यूज़ टू कम। और उसके अलावा एक और बात ये हुई थी कि समबडी सेंट मी अ रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑडियो कॉल, एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भेजा, जिसमें वो इंसान जिसको मेरे हस्बैंड ने हनुमान का पर्याय बताया था, उस आदमी का ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा जिसमें कि वो डील कर रहा है, वो उसके इस डेथ के बाद भी ही यूज्ड टू कलेक्ट मनी इन द नेम ऑफ हिज ट्रीटमेंट। वो हर स्कूल्स में जाता था और कहता था कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब है, ही इज़ बेड रिडन, दिस दैट, और बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, और कोविड था तो सब लोगों को ये सब रियलिस्टिक साउंड करता था, तो दे यूज़ टू गिव मनी, और ये सारे पैसे ये कभी लौटाता नहीं था, ये सारे पैसे अपने पॉकेट में रख लेता। तब मेरी आंखें खुली कि यार मैंने तो अपने मतलब पता नहीं मैं कितना और प्रॉब्लम अपने बेटे को देके जाऊंगी अगर ये मैंने अभी टेकअप करती हूँ वो दिन। और मैंने तुरंत एक गाड़ी रेंट पे किया और हर दिन मैं हर स्कूल जाती थी, एंड लोगों को दया आता था, जब लाइक बहुत बार आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल नहीं होता, लाइक आई डोंट वांट टू क्राई बट आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट, तो लोगों को लगता था अरे यार ये तुमने क्या कर दिया। और उस इंसान की लुक एट द ऑडासिटी दैट ही हैड, इवन आउटसाइड द स्कूल ही नेवर सेड कि मैम मैंने यहाँ से इतने पैसे उठाए हैं, और अंदर जब मैं अकाउंट्स वाले में जाती थी तो इसने साइन कर के पैसे उठा रखे थे, और मैं पूछती थी कि अरे ये तो आपने तो ये पैसे उठाए हैं, हाँ ठीक है तो हम दे देंगे आपको, हमने, एंड ही वॉज लाइक शाउटिंग एट मी, अच्छा जो हमने उठाए वो हम दे देंगे, तो आपने बताया कहाँ ये अपने पैसे उठाए। पटना में आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल स्टेइंग आफ्टर दिस इंसिडेंट्स, वहाँ से यहाँ आ गई। उसके बाद आई स्टार्टेड टू गेट कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज़,
नॉट मी, माई सन स्टार्टेड. अब वो बेचारा क्लास में पढ़ाई कर रहा है और उसने सारे कि अरे आपने इतना माल भेजा, इतना माल था, दिस दैट, वो सारा कुछ वो डील कर रहा है 10 कंपनीज के साथ में. एंड देन आई टुक ओवर एंड देन आई स्टार्टेड कॉलिंग दैट स्टाफ. तो उसको भी पता चल गया था कि अब ये यहाँ है नहीं, ये अकेली कितना आएंगी और क्या करेंगी. उसने फ़ोन मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, नंबर ख़त्म कर दिया. मतलब इवन टिल डेट इट्स नॉट ओवर, इट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन. इवन स्टिल टुडे वी हैव सो मेनी मतलब इश्यूज विच वी आर डीलिंग विथ. कोविड एक ऐसा त्रासदी था जिसने एक या दो घर को नहीं छुआ है, शायद ही कोई घर उस समय में ऐसा होगा जिसको किसी ने डायरेक्ट, किसी ने बहुत अपने को खोया, किसी ने थोड़े डिस्टेंट को खोया. खोया सबने था. कोविड वॉज समथिंग टू बी टेकन वेरी सीरियसली. कोविड में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस और जिंदगी, लोगों की जिंदगियों को मजाक समझने की कोशिश शायद की गई थी. आई कैन नॉट फॉरगिव एनीवन हु इज़ कनेक्टेड विद दिस, जिसने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसकी मुझे लगता है कि लोगों के जीवन से ज़्यादा सीरियस अफेयर कुछ नहीं था. उस समय में इलेक्शन हुए थे. My first objective of life is to see my son settled. तो जब वो हर तरह से सेटल हो जाता है फिर आई वॉन्ट, मुझे मेरा बहुत मन है कि मैं स्पिरिचुअलिज्म को स्प्रेड करूँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करूँ. मुझे लगता है कि ये जो ताकत वापस से आ रही है मेरे अंदर में, वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के द्वारा, कृष्णा के थ्रू आ रही है मेरे पास में. एक बार आँख बंद करके देखिए, आँख बंद कीजिए और आंख बंद करके अपने सबसे जो आपके प्रिय इंसान हैं उनको देखिए. उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है उसके बारे में ज़रा सोचिए. उन्होंने कब 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 आपके लिए खड़े हुए हैं वो सब सोचिए. और उसके बाद अचानक वो इस दुनिया में आपको नहीं दिखे, आपकी सोच वहाँ तक जाने से सिहर जाएगी. जब हमारी सोच सिहर सकती है तो जो इस लाइफ को जी रहा है वो कितना मुश्किल से जी रहा है, बस एम्पथाइज कीजिए कि अगर कल को ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, आज मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, ये इससे बड़ा पेन दुनिया में कुछ नहीं होता है. एंड अगर आप एम्पथाइज कर पाएंगे तो आप कभी इन सब यू विल स्टार्ट टेकिंग यू लेट देम लिव अ नॉर्मल लाइफ. पीपल डोंट वॉन्ट, पीपल वॉन्ट टू शो, अरे माँ अरे आप बहुत कमज़ोर हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपके दुख से मुझे बहुत दुख हुआ. क्यों, वाई आर यू शोइंग दिस टू मी, वाई डू नीड टू शो दिस टू मी. प्यार दिखता नहीं है और जो दिख जाता है वो प्यार नहीं, वो दिखावा होता है. एंड आई रिमेंबर माई ब्रदर केम हियर, वो कभी हम लोग वी कुड नॉट लाइक टॉक टू ईच अदर. लास्ट ईयर वो 20 दिन रह के गया यहाँ पे. एंड वेन ही केम हियर एंड देन वेन ही सॉ कि नहीं ठीक है, नाउ आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, जाने वक्त में उसने कुछ नहीं किया. उसने वो नीचे गया जब हम वो गाड़ी में बैठ रहा था, ही जस्ट हिंटेड, He said this much and that was sufficient for me. कोई है आपके लिए, ये फीलिंग आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो पता चल जाता है. तो पीपल नीड टू एम्पथाइज. भावनाएं जब शब्दों में समाहित हो जाती हैं तो कविता का रूप ले लेती हैं. ईश्वर के इस न्याय को कविता के माध्यम से आप सभी के सामने अर्पित करती हूँ. सृष्टि के अनुपम रचनाओं में से एक, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ, जो कभी जली थी सती प्रथा के नाम पर और कभी जलाई गई पीड़ित व्यथा के दाम पर, वो जिसने सुलझाए थे बहुतेरे अनसुलझी पहेलियाँ, वो जो कभी छोड़ आई थी घर सखी और सहेलियाँ, सहती थी हंसकर वो सारी वेदना, अपनी पीड़ा की तनिक भी न थी चेतना, कई बार दौड़ाहे पर खड़ी हुई थी सही राह चुनकर बाइज्जत बड़ी हुई थी, पर आज जिस राह पर कालचक्र ने उसे छोड़ा है, खुशियों ने जैसे उससे नाता तोड़ा है, गैर तो गैर अपनों ने भी मुंह मोड़ा है, सच कहती हूँ समय के क्रूर जाल ने उसे कहीं का न छोड़ा है. आओ सुनाती मैं वैसी एक कहानी, हाँ अपनी कहानी अपनी ही जुबानी. भावना की गोद से पिता ने जब विदा किया था, मैंने भी अपने अधूरे बचपन को अलविदा किया था, ये सोचकर हुई थी अपनों से दूर, हर रिश्ते पर भारी है एक चुटकी भर सिंदूर, लाडो और गुड़िया कहते थे सब, प्यारी दुल्हनिया मैं हो गई थी अब, शान से टिमटिमाती थी मेरी बिंदिया, चूड़ियों की छन छन पायल और बिछिया, सुंदर से जीवन का राह दिखाया,
ये तो बताते आगे टकराव मिलेगा। ये खुशियाँ तो तेरी पल भर की है पगली, तुझको तो जीवन भर का एक घाव मिलेगा। क्रूर काल का तांडव वो कोरोना महामारी, मानवता संग मेरे सुहाग पर भी पड़ा भारी। कृष्ण पक्ष की वो एकादशी की रात अमावसी अंधेरा लेकर आई थी, एक कभी न खत्म होने वाली शाम मेरे जीवन का सवेरा लेने आई थी। सशक्तता से अबलता की मेरी यात्रा होगी इतनी सहज, मुझे ये भान न था। वो सांसारिकता से मुक्त हुए थे, मेरे शरीर में प्राण न था। हे स्वामी, मैं तुमको कुछ शब्द समर्पण करती हूँ। कठिन तपस्या मेरा जीवन, हर रोज तनिक अब मरती हूँ। अगर हो सके तो लौट के तुम आना, मैं रूठी हूँ तो बेशक कभी न मनाना। मैं फिर से सुनाऊंगी तुमको वो किस्सा, स्तब्धता बना मेरे जीवन का हिस्सा। रंगीन पहनूं तो तारते हैं सब, बदरंग होने का ताना भी मारते हैं सब। वो काजल वो बिंदिया वो पायल मेरे एकटक से मुझे निहारते हैं सब। अगर लौट सकते हो तो लौट जाओ, शर्तें तुम्हारी हमें हैं मंजूर। लौटा दो चूड़ी वो पायल वो बिंदिया, लौटा दो मेरा चुटकी भर सिंदूर। किशन कन्हैया, तुमको भी दो शब्द समर्पण करती हूँ। हर पल हर रोज मैं मरती हूँ, कुछ कहने से भी डरती हूँ। पर शब्द मेरे ना मानेंगे नटवर, लो उन्हें समर्पित करती हूँ। कोई नहीं है सुनने वाला, कुछ प्रश्न तुम ही से करती हूँ। मैं किसके नाम का श्रृंगार करूँगी, किसके लिए ये मैं अपनी मांग भरूँगी। मैं पापनी हूँ, मैं पापनी हूँ माना मैंने भगवन, पर मैं कैसे तुमको उदार कहूँगी। ऐसा तो मैंने कुछ मांगा भी न था, मेरे लिए क्या एक धागा भी न था। बांध लेती मैं जिससे बैरी पिया को, जो निकले मेरे राम छोड़ अपनी सिया को। मैं बदरंग और बदनाम हुए बैठी हूँ, मैं बदरंग और गुमनाम हुए बैठी हूँ। दीप शिखा सी शांत हुए बैठी हूँ, अविरल अश्रुधारा का ढाल लिए बैठी हूँ। तुम्हारा दिया हौसला बेमिसाल लिए बैठी हूँ। मरे नहीं शहीद हुए हैं, विधवा बेवा उसे नाम न दो। कठिन बहुत है नारी जीवन, वैधव्य से उसको पहचान न दो। मंदिर की मूरत सी है वो, शक्ति स्वरूपा शान है वो। जीवन का जंग स्वयं लड़ेगी, वीर वधु तुम उसे कहो, वीर वधु तुम उसे कहो। इस भीषण महामारी के दौरान मेरी डूबती नैया को पार लगाने में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की, उन सभी को मेरा सादर आभार। थैंक यू गीतांजलि दीदी, मेरे बेटे के लिए खाना बनाना और खाना लेकर खुद पहुंचा जाना, ये बातें मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकती हूँ। थैंक यू डॉक्टर रुचि शुक्ला एंड डॉक्टर सुप्रिया। थैंक यू आशीष सर, कोविड के टाइम में इतने सारे लोगों को अपने घर से भोजन बनाकर भेजने के लिए। एमिटी एजुकेशन ग्रुप को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू रिस्पेक्टेड ड्रामा सर, मेरे ट्रांसफर से लेकर मेरी हर छोटी बड़ी समस्याओं का चुटकी में हल निकाल कर देने के लिए। संदीप यूनिवर्सिटी परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नूपुर, मेरे सारे लीगल मैटर्स को सेल्फलेसली डील करने के लिए।